हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी छात्रों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। आज की जो अपडेट है वो MDU परीक्षा से संबंधित आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो अभी ऑफलाइन एग्जाम होने थे वो सभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं और 1 मई से ये सभी जो है ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो ऑनलाइन पेपर होगा आपको उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए हैं वो सभी शेयर करूंगा। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैं आपको जो सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन सभी पर आपको ध्यान देना है, वरना आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को मैं यहाँ पर शेयर करूँगा आपसे और आपको बताऊँगा कि आपको पेपर से पहले किन बातों पर ध्यान रखना है, पेपर के बाद और पेपर के दौरान जो है कौन सी जो ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक भी पॉइंट को मिस मत करिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डेली आपके लिए आपके एग्ज़ाम से जुड़ी और नई नई जो जॉब अपडेट्स हैं उनसे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारे डेली वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज की ज़रूरी अपडेट्स, आज की जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है जानते हैं। देखिए, ये ऑनलाइन जो आपका पेपर होगा उससे संबंधित जो भी स्टूडेंट्स के लिए सभी गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जानते हैं प्री एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। आपको जो है अपना जो मोबाइल फ़ोन है उस पर आपका जो ऑनलाइन पेपर होगा, आपको जो मोबाइल में डाटा पैक है उसको जो है एक्टिवेट करवाना है, वो आपके लिए प्रॉपर डाटा पैक होना चाहिए। आपके पास वर्किंग वीडियो कैमरे के साथ, वेबकैम के साथ, माइक्रोफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी एटलीस्ट 3G तक की स्पीड होनी चाहिए और जो PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन कुछ भी इसमें से जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपको जो है पूरे एग्ज़ाम के दौरान कैमरे की सर्विलेंस वीडियो ऑन रखनी है, ओके। फिर आपको इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में एडोब स्कैन या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस का जो सॉफ्टवेयर है उसको जो है PDF बनाने के लिए, आपको जो आंसर शीट होगी, आप जो लिखोगे आंसर्स उन शीट्स की PDF बनानी है आपको इसमें। फिर आपको लर्न, आपको सीखना है जो भी ये PDF बनाने का काम है, आंसर शीट्स कैसे लिखनी है, ये सभी आपको आपके एग्ज़ाम से पहले जो अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पर मैं आपको अभी आंसर शीट है जो आपकी वो आपकी होगी A4 साइज़ की लाइन वाली शीट्स होंगी ये आपकी। यहाँ पर मैं आपको अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा आगे आपको किस फॉर्मेट की यूज़ करनी है। आपका जो फर्स्ट पेज होगा आंसर शीट का, उस पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का रोल नंबर पहले फिगर्स में फिर आपका वर्ड्स में होगा, फिर क्लास, सेमेस्टर, नेम ऑफ पेपर, क्वेश्चन पेपर ID, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट और डेट ऑफ एग्जाम, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, ओके। ये सभी जो है आपको डिटेल्स भरनी है पहले पेज पर, और जो नेक्स्ट जो पेजेस होंगे जितने भी, उन सभी पर सिर्फ आपको पेज नंबर, रोल नंबर, डेट और सिग्नेचर, ये सभी 3-4 चीज़ें डालनी है फर्स्ट पेज पर, बाकी सभी डिटेल्स होंगी। फिर एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, आप जो वीडियो मीट है जो ज्वाइन करोगे, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके जो भी कंसर्न्ड प्रिंसिपल या डायरेक्टर होंगे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर है, उसको आपको 15 मिनट पहले ज्वाइन करना है लिंक को एग्ज़ाम स्टार्ट होने से। फिर आपको अपना एडमिट कार्ड और फोटो ID दिखानी है कैमरे पे, माइक्रोफोन पे आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, बोलना है, और जो है स्विच ऑफ रखेंगे अपना कैमरा स्टूडेंट्स, उनका जो है उनका एग्ज़ाम जो है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा पेपर में, उनका एग्ज़ाम कैंसिल माना जाएगा, आपको जो है स्विच ऑफ नहीं करना है कैमरा। फिर है आपको जो भी स्टूडेंट्स विजिबल नहीं होंगे वीडियो में पूरे पेपर को दौरान, उनका भी पेपर कैंसिल माना जाएगा, और आपको जो मल प्रैक्टिस यानी आपको अनफेयर मीन्स के अकॉर्डिंग इसमें माना जाएगा, ओके। अनफेयर मीन्स का केस आप पर लग सकता है, और जो इन्विजिलेटर है आपके जो यूनिवर्सिटी द्वारा लगाए गए हैं इन्विजिलेटर आपकी वीडियो को देखने के लिए, आपके पे जो है निगरानी करने के लिए, वो मैक्सिमम 5 बार आपको वार्निंग देंगे और उसके बाद वो आप पर जो है अनफेयर मीन्स का केस डाल सकते हैं, और वो एक फॉर्मेट में उनको एक अलाउ किया गया है कि वो अपना रोल नंबर सर्टिफाई करेंगे आपका जिस भी कैंडिडेट पर अनफेयर मीन्स लगाना उन्होंने,
और आपकी जो डिटेल्स है, किस डेट को आपका कौन सा पेपर है, इन सभी पर आपको कि आपने जो है 5 बार से ज़्यादा वार्निंग देने पर भी आपने जो है इन अनफेयर मीन्स का जो है उनकी के अंडर आप पर केस किया जा रहा है। फिर आपको जो है पेपर जो है वो ध्यान से डाउनलोड करना है, अच्छे से सही पेपर डाउनलोड करना है, A4 साइज का जो अपनी हैंड राइटिंग में अच्छे से लिखना है उस पर क्लियर होना चाहिए, आपकी राइटिंग विजिबल, सीरियल नंबर और जो क्वेश्चन है आपके वो सभी जो है पेज नंबर हर एक पेज पर होना चाहिए, और आपको मैक्सिमम जो है सीट यूज कर सकते हो आप वो है 36 36 लाइन जो रूल्ड पेजेज हैं वो यूज कर सकते हो सिंगल साइड से। अगर आप दोनों साइड उनको प्रिंट निकलवाते हो तो आप 18 सीट यूज कर सकते हो। ओके और फ्रेंड्स मैं प्रेफर करूँगा आप एक साइड ही इनको सीट को निकलवाइए, सेकंड साइड पे आप ब्लैंक रहने दीजिए, क्योंकि जो आप जो लिखोगे वो फिर सही से आपका विजिबल होगा, क्लियर होगा। दोनों साइड लिखोगे तो वो थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा आपका। एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के बाद जो है आपको स्कैन करने हैं अपने इमेजेस, जो भी आंसर शीट है उनकी इमेजेस लेनी है, स्कैन करके एडोब स्कैन या ऑफिस लेंस ऐप से आपको जो है PDF एक सिंगल PDF बनानी है। ओके और ये पूरी प्रोसेस है, जो फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी जो PDF है वो ईमेल करनी है, जिस जो ईमेल आईडी से आपको पेपर मिला है उसी ईमेल आईडी पर आपको ये सेंड करनी है। ओके तो वो ईमेल आईडी आपको दी जाएगी। जो PDF की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो इमेजेज क्लिक करोगे वो भी काफ़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो एग्जामिनर को समझ ही ना आए, इसलिए अच्छे से जो है पिक क्लिक कीजिए। जो साइज़ होगा आपकी PDF का वो मैक्सिमम 22 MB तक हो सकता है, 22 MB से कम आपकी जो PDF होनी चाहिए वो आप अपलोड कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ओके और आपकी सीट्स मैंने बताई थी 36 से ज़्यादा आपको यूज नहीं करनी है, 36 तक आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको PDF का नाम क्या देना है, एक स्पेशल ये पैटर्न बता गया है कि आपको PDF का नाम कैसे देना है। जैसे सबसे पहले आपकी डेट ऑफ एग्ज़ाम, डेट ऑफ एग्ज़ाम एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, जैसे 1 अप्रैल है आपकी तो 01/04 अप्रैल, और फिर ईयर है जो उसका 21 लिखना, बस 2021 पूरा नहीं लिखना, 21 लिखना है सिर्फ, ये फॉर्मेट होगा सबसे पहले ये लिखना। फिर आपका जो है रोल नंबर लिखना है ये, फिर उसके बाद आपका अगर मॉर्निंग सेशन है तो M लिखना है कैपिटल में, इवनिंग सेशन है तो E लिखना है, और ये आपकी PDF का नाम होगा। ओके आपके सेशन के अकॉर्डिंग, तो ये बिल्कुल ध्यान से करना है आपको, इसमें कुछ भी गलती नहीं करनी है, अगर आप गलती करते हैं तो आपका पेपर जो है एग्जामिनर कैंसिल कर सकता है। ओके और ये PDF को जो है आपको ईमेल पर सेंड करना है, जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर रिसीव हुआ है सेम ईमेल पर, 1 घंटे के अंदर, जो आपका एग्ज़ाम का एंड है 3 घंटे के बाद, 1 घंटा और एक्स्ट्रा आपको इस काम के लिए पूरे के लिए दिया जाएगा। अब आपको जो ये आंसर शीट है जो उसका स्पेसिमेन कॉपी देख लीजिए, ये यूनिवर्सिटी ने जारी की है। फर्स्ट पेज तो मैंने आपको बता ही दिया, ये डिटेल्स आपकी बताई गई यहाँ पर, आपको एक बार फिर आप देख सकते हैं उनका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं आसानी से। फिर आपकी ये लाइन वाली सीट्स होंगी, ये फर्स्ट जो है पेज है आपका, इस पर ये डिटेल्स आ गई। फिर सेंटर में आपको ये, फिर बाकी जो पेजेस हैं उन पर सेंटर में आपकी ये डिटेल्स होंगी, 3-4 रोल नंबर, पेज नंबर, डेट और साइन। ओके बाकी सभी पेज पेजेस पर ये होंगी आपकी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स ये आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारी डेली वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी डेली वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स इसी आज की बड़ी अपडेट के साथ, जरूरी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अपडेट्स और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।